जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट को करेक्शन कराना चाह रहे हो, बट कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनका अब बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन नहीं होगा, वो आज वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इस क्राइटेरिया में आते हो तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत से जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं तो वो अभी कंटिन्यूस मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं यार कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, और जिन लोगों के लिए वीडियो है सो वो इस वीडियो में क्लियर हो ही जाएगा कि जो जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स अगर आप लोगों के साथ हो रहा है, मतलब ये क्राइटेरिया अगर आप लोगों के साथ है तो आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन नहीं होगा। और मुझे व्हाट्सएप पे मल्टीपल कमेंट्स आते हैं तो मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कॉल्स मत कीजिए, मैसेज कीजिए। कॉल्स ऑलरेडी मेरे जो फ़ोन है उसमें मेरा जो फैसिलिटी नहीं है। आप लोग जितने मैसेजेस हैं वो सारे मैं आप लोगों के रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए सर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए तीन क्राइटेरिया है, मैं आप लोगों के पूरा पॉइंट्स वगैरह बना के लाया हूँ। तो तीन क्राइटेरिया आते हैं इसके अंदर जिस जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट और करेक्शन नहीं हो पाएगा। पहले वो लोग हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल जो होती है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल आई थी वो बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, स्कूल में हो गया, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी अलग डेट के बन गए हैं। अब आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो सारे अलग डेट के हैं मानता हूँ, बट आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ का बना हुआ है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हो कि यार हम लोग बाकी डॉक्यूमेंट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के हम लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करा लें, बट वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो देखिए आप लोगों का जो भी आप लोग करेक्शन कराएंगे, सपोज कीजिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट में एक डेट है 1/1/2023, ठीक है। सपोज कीजिए आप लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों की है 1/2/2023, सपोज एक महीने का डिफरेंस आ रहा है, बट आप लोग सोच रहे हैं कि जो फेब वाली जो डेट है वो मैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट में करवा लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब भी आप ये करेक्शन कराने जाएंगे, आप लोगों का वेरीफाई होता है बेसिकली, जब भी आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर कोई भी करेक्शन कराते हैं या अपडेट कराते हैं तो वो वेरीफाई किया जाता है जहाँ पे आप पैदा होते हो उस हॉस्पिटल से। जब भी वो वेरीफाई होगा तो वो मतलब मिसमैच हो जाएगा आप लोग का। तो बाकी डॉक्यूमेंट वाली जो डेट है वो नहीं आके आप लोगों की जो बर्थ सर्टिफिकेट की जो करेक्ट डेट थी, जो उसमें ऑलरेडी वो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, वही डेट रहेगी और आप लोगों की अप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा मल्टीपल कमेंट्स आते हैं कि सर ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो हम लोगों को बताइए कि आप बर्थ सर्टिफिकेट हमारा करेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस केस में अगर आप लोगों का क्राइटेरिया आता है, अगर आप लोग इस तरीके से फंस रहे हो तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन नहीं होगा, तो इसको ट्राई भी मत कीजिए। सेकेंड चीज़ जो है वो इसी से रिलेटेड है। सेकेंड चीज़ में क्या होता है कि आप लोगों के पास दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं। अब आपके पास जो पहला बर्थ सर्टिफिकेट था वो सही आपका था, मतलब जो सही डेट ऑफ बर्थ का होता है, बट लोगों ने क्या किया सेकेंड बनवा लिया गलत बर्थ ऑफ डेट का, ठीक है। इसमें गलत आप लोग की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नाम हो गया, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सेकेंड बनवा लिया आप लोग मतलब बन जाता है, इसमें कोई भी वो नहीं, चैलेंज नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब सेकेंड आप लोग का जो ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, बट जब आप इसको कहीं पे भी सबमिट करोगे, सपोज कीजिए आप लोगों ने पहला वाला ना देके सेकेंड सबमिट कर लिया और आपका दोनों है, आपने कोई भी कैंसिल नहीं कराया, सेकेंड आप जब भी आप कहीं पे भी देंगे तो वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। वो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा वेरीफाई किया जाता है, कहीं पे भी आप फॉरेन जा रहे हो कि स्टडीज़ के लिए या आप कहीं पे भी देते हो पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वो वेरीफाई किया जाता है। जब भी वो वेरीफाई होगा उस केस में भी आप लोगों का वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो भी आप एप्लीकेशन जिसके लिए भर रहे हो वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपके दो बर्थ सर्टिफिकेट है, पहला आप करोगे अगर गलत बन गया है, सेकेंड आप उसको करेक्शन नहीं हो पा रहे, सपोज कीजिए और सेकेंड वाले को आप लोग बनवाते हो जिसको सही बर्थ आपका इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों को पहला वाला कैंसिल कराना बहुत जरूरी है। कैंसिल नहीं कराओगे तो दोनों बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम पे बुक होते हैं, और जब भी आप इसको कहीं यूज़ करते हो तो उसमें ऑटो शो होता है कि यार आप लोगों का दो बर्थ सर्टिफिकेट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो आगे कभी फॉरवर्ड नहीं होगी, जिस भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो सेकेंड केस आपका ये बनता है कि जहाँ पे लोगों का दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं जिसमें से लोगों ने कैंसिल नहीं कराया और सेकेंड वाला आप लोग यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो इस केस में भी अगर आप लोग हो तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कभी भी करेक्शन नहीं होगा, और जिसको भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दोगे वो चीज़ भी आपकी बन नहीं पाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। थर्ड पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस पॉइंट के ऊपर मेरे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ये भी दो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, लोगों ने दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, जहाँ पे आपका पहला वाला था वो गलत वाला था और सेकेंड वाला था वो आप लोगों ने मतलब दूसरा बनवा लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें आप लोगों ने जो आप लोगों का दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट था वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आप लोगों ने अपना आधार बनवा लिया है, आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, बाकी सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए, बट अब यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। जब आप इसको सबमिट करते हो कहीं पे
या अपने दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, जब भी आप कहीं पे जाएंगे या सबमिट करते हो तो वहाँ पे आप लोग इसको जब सबमिट करोगे तो वहीं पे उस वही चैलेंज आ जाएगा कि आपका 2 बर्थ सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो भी आप लोगों ने सेकंड बर्थ सर्टिफिकेट से बनवा लिया। अब इसमें होगा क्या, आपका सेकंड बर्थ सर्टिफिकेट जिससे आप लोगों ने बाकी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं जैसे आधार, वोटर आईडी कार्ड, तो उस बेस पे आप लोग का सेकंड बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो पहला वाला था उसकी डेट ऑफ बर्थ या इन्फॉर्मेशन अलग है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की अलग है। अब यहाँ पे भी आप इसको यूज़ नहीं करवाओगे कहीं पे भी। ये चीज़ भी बहुत लोगों के हाथ हो रही है, जो पता नहीं आप लोगों को कौन सजेस्ट करता है ये चीज़ करने के लिए, बट ये चीज़ नहीं करनी है आप लोग कभी भी। ये चीज़ जो कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है हमेशा उसको ही करेक्शन कराना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यार इसको आप लोग इंटेंशनली चेंज करवाते हो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, कि जो सही है उसको भी आप लोग कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन डलवाने की कोशिश करते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है आप लोगों को, जिससे कहीं पे लोग एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम कि वो 23 साल से नीचे होने चाहिए 24, तो उसको चेंज करने के लिए आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कराते हो, जो कि गलत एक प्रैक्टिस है और जो कि एक गलत मतलब आप लोगों को सजेस्ट करता है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसा करिए। और ये तीन जो आप लोगों को चीज़ें बताई, अगर ये आप लोगों के साथ हो रही है तो आप लोग मान के चलिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन नहीं होगा। और इस चीज़ से रिलेटेड यार आप लोग मुझे मैसेज मत कीजिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों की करेक्शन नहीं हो पाएगी। आप लोग मतलब बोलते हो कि सर पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, देखो उस चीज़ से कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बट ये जगह चीज़ है तो इसमें मैं भी आप लोगों की मतलब कोई हेल्प नहीं करवाऊंगा करेक्शन करवाने के लिए। ऑलरेडी करेक्शन जिस इस तरीके से हो सकता है वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप लोग आई बटन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स थे जिसके आप लोग मुझे मल्टीपल मैसेज कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे, तो वो क्लियर हुए होंगे। इनके से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, साथ साथ मुझे फॉलो करके जरूर जाना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सके। तो चलिए सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।